अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ अशरफ और आप देख रहे हैं एसटीटीवी प्लस। दोस्तों, गैबन सपी रहमतुल्लाह की दरबार में आए दिन कई लोग आते ही रहते हैं। जो लोग बीमार होते हैं वो तो आते ही रहते हैं, जो कैंसर वाले और भी मरीज आते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों एक आदमी आया है जो बेंगलोर से स्कूटी चलाकर गैबन सपीर की दरगाह पे आया है, जो कच्छ गुजरात में ये दरगाह है। वो बेंगलोर से पहले अजमेर गए, अजमेर से फिर गुंदाला गांव आए। वो करीब करीब अजमेर से बेंगलोर की दूरी कुछ 1800-1900 किलोमीटर है, और अजमेर से गुंदाला जहाँ पर ये कच्छ में दरगाह है वहाँ पर जो आए भाई, वो अगर आप डिस्टेंस देखें तो करीब करीब 700-800 किलोमीटर यहाँ से अजमेर दरगाह है, वो वहाँ से गुंदाला गांव आए स्कूटी चलाकर। तो उनका एक इंटरव्यू लिया है बाबा साहब ने, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं जो बाबा साहब के साथ मिले, जो बेंगलोर से अजमेर और अजमेर से गुंदाला गांव इस दरबार में आए हजरत गैबन सापीर की। तो पहले हम बाबा साहब का वो वीडियो देख लेते से हैं। आया है बेंगलोर से, बेंगलोर से देखो बाबा का बुलावा स्कूटी से। बेंगलोर कहाँ है, लेकिन जिस पे अल्लाह के वली की निगाह होती है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। कितने दिन से निकले हैं? हो गया 8 दिन। 8 दिन बेंगलोर से गया। पहले अजमेर, बेंगलोर से अजमेर, अजमेर से यहाँ स्कूटी से। कितना पेट्रोल पुरवाया? 3200 का हो गया। 3200 में यहाँ पहुंच जाए। देखो ये किस्मत वाले को ऐसा मौका मिलता है। हम 1-8 किलोमीटर भी स्कूटी से नहीं जा सकते, लेकिन ये भाई बेंगलोर से स्कूटी से आ गया। अल्लाह आपका बेड़ा पार करके। दोस्तों ये वीडियो था एक आदमी स्कूटी चलाकर जो दरगाह पे आया था, उसका जो इंटरव्यू था बाबा साहब के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। दोस्तों इस दरगाह पर अगर आप आना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं एड्रेस पर, और सारे सवालों के जवाब का एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस दरगाह के रिलेटिव बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। जिन लोगों को शिफा मिली है वो भी वीडियो दिखाता हूँ, जिन लोगों को यहाँ आना है तो दरगाह पर, तो उनके एड्रेस के वीडियो भी मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो जुड़े रहे मेरे चैनल एसडीटी प्लस के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।